नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक इंडियन चाइनीज रेसिपी जो मेरी बहुत ही फेवरेट डिश है, और वो है एग फ्राइड राइस। तो चलिए बनाते हैं एग फ्राइड राइस। सबसे पहले हम अपनी गैस शुरू करते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, अब हम अपने एग्स ब्रेक करते हैं। इसे हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी थोड़ा बटर डाला है, बटर भी नमकीन होता है। अब हमने चार अंडे बीट कर लिए हैं अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाला है और अब हम इसे पैन में डाल देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा दूध। इसमें हम बड़े कर्ल्स लेंगे। दूध डालने से हमारा स्क्रैम्बल एग अच्छा सॉफ्ट बनता है। और अब हम इसे गैस से उतार देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में डाल देते हैं। हमारा स्क्रैम्बल एग अब बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी फ्राइड राइस बनाते हैं। अब हम लेंगे तेल, सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, लहसुन थोड़ा सा हल्का लाल हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियंस। अब हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्ची। अब हम डालेंगे थोड़ी सी सेलरी। एक चम्मच नमक, काली मिर्ची पाउडर एक टीस्पून, सोया सॉस। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे उबले हुए चावल। ये हमने 2 से 2.5 कप चावल लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम चावल उबालते हैं हमें उसे 80% तक उबालना चाहिए, बाकी का ये वॉक में पक जाता है और इस तरह राइस टूटते भी नहीं है। अब हम डालेंगे स्क्रैम्बल एग। अब हमने अपना स्क्रैम्बल एग डाल दिया है, इसे अच्छे से चला लेते हैं। और आखिर में हम डालेंगे हरे प्याज के भूचे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे एग फ्राइड राइस अब एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। चावल का जो दाना होता है उसे हमेशा अलग अलग होना चाहिए, खिचड़ी की तरह नहीं होना चाहिए। ये रहे मेरे फेवरेट एग फ्राइड राइस एकदम तैयार। इसे जरूर बनाइए, खाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।